मेघालय, इसका चुनाव हो जाने के बाद नागालैंड, ये पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। ये अभी स्टेट पार्टी है रीजनल पे। ऑनरेबल गिरिराज सिंह जी भी कल बिहार से विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एंड स्पेसिफिक डाटा कल पूरा खुलासा किया। इस तरीके से 3 घंटा तक पूरा देश से गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनता को हैरेसमेंट किया, ये आप सब लोग को आप लोग देख लिया। ये पार्टी जैसा कि आप जानते हैं, पहचानते भी हैं, हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं सुरेंद्र अधिकारी जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है वेस्ट बंगाल में, आज आपको संबोधित करेंगे इस प्रेस वार्ता में। अब सबको मैं मेरी ओर से और भाजपा की ओर से मैं स्वागत करता हूं। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता जाफर साहब ने आपको संबोधित कर दिया। अब सबको मालूम है कल से पश्चिम बंगाल की जो सत्ताधारी रीजनल पार्टी, ये पार्टी पहले नेशनल पार्टी का दर्जा था, लेकिन त्रिपुरा, मेघालय, इसका चुनाव हो जाने के बाद नागालैंड, ये पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। ये अभी स्टेट पार्टी है रीजनल पार्टी। ये रीजनल पार्टी ने पिछले 12 साल से ज्यादा बंगाल में सत्ता में है और कुछ छूटा इल्जाम के साथ फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, खास करके बीजेपी एनडीए के खिलाफ कुछ कार्यक्रम दिल्ली में ये लोग लिया है। ज्यादा असर नहीं हुआ है नेशनल लेवल में, बंगाल में भी कुछ असर नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई को सामने लाना चाहिए। इसलिए वेस्ट बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष और हमारी सांसद, कुछ सांसद ने कल पत्रकार सम्मेलन किया। उसका बाद जिस डिपार्टमेंट की एलोकेशन को लेकर ये लोग अपने राजनीति कर रहा है, हमारी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जी मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर ऑनरेबल गिरिराज सिंह जी भी कल बिहार से विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एंड स्पेसिफिक डाटा कल पूरा खुलासा किया। इस तरीके से धांधली हुआ, खास करके मनरेगा से लेकर रूरल डेवलपमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का स्कीम के ऊपर, साथ साथ हमारी युवा नेता ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी पत्रकार सम्मेलन किया। कल जिस तरीके से राजघाट में गांधी जयंती का दिन ये लोग पूरा देश से आया श्रद्धालु का साथ, जिस तरीके से बिहेवियर विदाउट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम द राजघाट कमिटी और दिल्ली पुलिस,
करने की कोशिश किया। ढाई तीन घंटा तक पूरा देश से गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनता को हैरेसमेंट किया, ये आप सब लोग को आप लोग देख लिया। ये पार्टी गुंडाओं की पार्टी है, ये पार्टी .n.d.i.a. का हिस्सा है। इसका तीन एजेंडा है, एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा एपीजमेंट तुष्टिकरण। ये विकास का काम नहीं करता। इस पार्टी का खिलाफ सरकारी हमारी प्रोग्राम को लास्ट माइल तक गांव की जनता की ओर भेजने का ये लोग का कोई इरादा नहीं है। अब सबको मालूम है पूरा देश में कुछ किसानों के लिए और खास करके डाउन ट्रोडन पीपल गरीब जनता के लिए लो इनकम ग्रुप के लिए कुछ स्कीम चालू है हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इंडिया बीजेपी का सरकार का। बंगाल में ये स्कीम नहीं है, एक है पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, ये बंगाल में नहीं है। 2019 से ममता जी का सरकार, टीएमसी सरकार इसको बंद कर